శివం శివం జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే గలేవలంబెలంబితాంబుజంగ తుంగమాలికాడ్డమడ్డమడ్డ. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయా, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్యతు భాగ్భవే. ఏ స్పిరిచువల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆప్కు shivago.com పే ఆథెంటిక్ ఆర్ జెన్యూన్ మిలేంగే. నమస్కార్, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है. और हम आपको बताने जा रहे हैं ढेर सारी ज्ञानवर्धक बातें सांपों के बारे में. एक पार्ट हम बना चुके हैं, हमारा दूसरा पार्ट है. तो सारी चीज़ें जो अब तक बतानी थी हम बताए हैं, अब यहाँ से वापस शुरू करते हैं. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सांपों के 200 से भी ज़्यादा दांत होती हैं, लेकिन इन दांतों को शिकार को चबाने के लिए नहीं बल्कि शिकार को निगलने के लिए इस्तेमाल करता है. USA के इडाहो में एक घर ऐसा है जिसे सांपों का घर बोला जाता है. इस घर के मालिक को कई सालों बाद पता चला कि जिस ज़मीन पर उनका घर बना हुआ है दरअसल एक हाइबरनेकुलम है. ये वो जगह होती है जहां सांप सर्दियों में आराम करते हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट है. अगर कभी सांप आपके पीछे पड़ जाए तो आप घबराए नहीं, बस सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा यानी कि चिक चैक बनाकर दौड़े. सीधा दौड़ने पर सांप आपका तेजी से पीछा कर सकता, आपको हो सकता पकड़ ले, लेकिन टेढ़ा दौड़ने पर सांप लंबे समय तक आपका पीछा नहीं कर पाएगा. मतलब यूं जा रहे आप ऐसे टर्न हो जाइए, वो जब टर्न होगा ऐसा तो आप ऐसा टर्न हो जाइए, ऐसा टर्न हो जाइए, तो आपको चिक चैक करके भागना है. सांप को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है. सांप बहरे होते हैं. हवा में पैदे होने वाली ध्वनि तरंगों का सांप पर कोई प्रभाव नहीं होता है. बीन की आवाज़ सुनकर सांप का आना केवल लोगों में फैला एक भ्रम है. सांप जब अपने शिकार पर वार करता है तो वो 100% सफल होता है. उसका वार कभी भी खाली नहीं जाता है. एक अध्ययन से यह पता लगाया गया है कि सांपों के काटने से जितने भी इंसान की मौत होती है उसमें से आधे से ज़्यादा सांपों के जहर की वजह से नहीं बल्कि सांपों के काटने के डर की वजह से होती है. तो वो डर जो है वो कभी कभी हार्ट अटैक करवा देता है. अजगर एक ऐसा सांप है जो अपने शिकार को काट कर नहीं बल्कि जाकर मार डालता है. उदाहरण के तौर पर अगर एक इंसान को अजगर जाकर ले ले तो इंसान धीरे धीरे अपना सांस छोड़ने लगता है और अजगर का जागरण और भी सख्त हो जाता है जिससे कि वह इंसान दोबारा सांस नहीं ले पाता है और सांस छोड़ते छोड़ते एक समय उसकी मौत हो जाती है. अभी तक सांपों का जो सबसे बड़ा जीवाश्म पाया गया है उसकी लंबाई 50 फीट की है. कुछ लोग बिना जहर वाले सांप के डसने पर भी सिर्फ भय से ही प्राण त्याग देते हैं. और सांप अपनी नाक से नहीं बल्कि अपनी जीभ से सूंघते हैं. अपनी जीभ से सांप आसपास के माहौल का पता लगा लेते हैं, ये उनकी खासियत होती है. सांप, कोई भी सांप बिना छेड़े कभी नहीं काटता है. काटने की अधिकतर घटनाएं गलती से उन पर पैर पड़ जाने के कारण होती है. और सांप की आंखों पर पलकें नहीं होती, हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं. वैसे तो हर साल लाखों लोगों की मौत सांप काटने की वजह से होती है, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं. लेकिन अब जो मैं आपको बताना जा रहा हूं वह शायद आपको पता नहीं होगा. सांपों के काटने से हर साल जितने लोग की मौत होती है उससे कहीं ज्यादा मधुमक्खियों के काटने से हो जाती है. सांप अपना जहर कभी बेकार में नष्ट नहीं करता है. क्यों? उस जहर को बनाने के लिए सांप को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सांप अपना जहर सिर्फ शिकार के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता है, वो वेस्ट नहीं करेगा. सांपों के कान नहीं होते इसलिए वो सुन नहीं सकते. ब्राजील में स्थित स्नेक आइलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह है
जहाँ पर अधिक मात्रा में जहरीले सांप पाए जाते हैं, और यहाँ पर हर एक वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं। मतलब आप जिस बेड पर सोते हो उतनी ही कम जगह पर कम से कम 15 से 20 सांप रहते हैं। और दुनिया के सबसे खतरनाक सांप आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया समझ लीजिए खतरनाक सांपों का गढ़ है। सांपों के काटे जाने से पूरी साल में जो मौतें होती हैं तो मैंने आपको बता ही दिया, और उसमें लगभग जो मौत उसमें मैक्सिमम मौत हमारे भारत में भी होती है, आबादी ज्यादा है, जंगले भी हैं। वैसे तो सांप लगभग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर सांपों का बसेरा नहीं है। अंटार्कटिका और कुछ महाद्वीप जैसे कि आयरलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, इन जगहों पर सांप नहीं है या फिर ना के बराबर है। बहुत पहले अमेरिका में एक ऐलान किया गया था कि अगर कोई इंसान 30 फीट या उससे लंबा किसी एनाकोंडा को पकड़ सकता है तो उसे $50,000 इनाम के रूप में दिया जाएगा, लेकिन ऐसा काम अभी तक कोई नहीं कर पाया है। लगभग 15 करोड़ साल पहले सांपों के पैर भी थे, 15 करोड़ साल पहले, लेकिन समय के साथ साथ वातावरण में आए बदलाव की वजह से सांप के पैर धीरे धीरे विलुप्त हो गए। लेकिन अभी भी पाइथन और बोआ जैसी प्रजाति के सांपों में उनके पेल्विस के आसपास पैरों जैसे उभार देखने को मिलते हैं। समंदर में रहने वाले सांपों की कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिनकी जहर की एक बूंद 200 लोगों को मारने के लिए काफी होता है। सांपों की प्रजाति जानवरों के उन गिने चुने कुछ प्रजातियों में से है जो डायनासोर के समय से इस धरती पर रहते हुए, मतलब इनका अस्तित्व बहुत पुराना है। पानी में रहने वाले सांप सांस लेने के लिए अपने स्किन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कभी अनजाने में किसी कोबरा के पास चले जाते हो आपको एक अजीब सी आवाज सुनने को मिलेगी। इसका मतलब है कि कोबरा आपको अपने तरफ आते देख सावधान कर रहा है ताकि आपको पता चल जाए और आप सतर्क हो जाए। वैसे आपने अभी वो आवाज़ जो सुनोगे आप, वो आवाज़ आप महसूस करोगे, वो आवाज़ बहुत खतरनाक सी होती है। वैसे तो आप किसी भी सांप को डराकर भगा सकते हैं, लेकिन कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो भागने के बजाय आपके ऊपर हमला करेगा, जैसे किंग कोबरा। दुनिया के सभी सांप अंडे नहीं देते, सांपों की कुछ प्रजातियां बच्चे को भी जन्म देती है। भारत की बात करें तो यहाँ पे 300 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से जहरीले जो होते हैं वो सिर्फ 50-60 ही होते हैं। ब्राज़ील में स्थित स्नेक आयरन के बारे में मैंने आपको बताया। सांपों में जो सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं जंगलों में, उसमें एक कोबरा सांप भी है जिनकी जो तादाद है वो ज़्यादा है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट कीजिए। और मैं एक बात जो कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो ये वीडियो बनाया है सांपों के बारे में, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कह लीजिए कि बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है जानना इन सब चीज़ों का, और ये आगे चलकर जब बड़े होते हैं तो कभी कभी इसके जो प्रश्न हैं वो टॉप के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि अपने बच्चों के बीच में ये वीडियो शेयर कीजिए, क्या ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जानकारी प्राप्त हो। ये इनकी मतलब सांपों के बारे में आपको बता रहे हैं। कैनेडा के मनीटोबा में प्रांत में हर साल 30,000 से भी ज़्यादा गार्टर स्नेक शीत निद्रा के बाद संभोग के लिए इकट्ठे होते हैं। यह इस धरती पर होने वाली सबसे बड़ी सामूहिक सेक्स क्रिया है। वैसे तो मैंने खुद ही आपसे कहा है कि सांप कुछ पीता नहीं है, लेकिन अगर किसी भूखे सांप के आगे आप दूध रख दीजिए, अगर वो भूखा है तो पी जाएगा, लेकिन इसे सांप को तकलीफ होती है क्योंकि सांप को दूध हजम नहीं होता है। तो ये जो
नागपंचमी वगैरह पे दूध जो पिलाते हैं, ये हम देखा जाए तो हम सांपों को नुकसान ही करते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी से डरे या नहीं डरे, लेकिन सांपों से बहुत डर लगते हैं। और सांप से डरने वाले इस बीमारी को एक नाम दिया गया है, ओफियोफोबिया। ओफियोफोबिया ये उस डर का नाम है। चीन के बारे में आपको बताते हैं, चीन के नानशांग में वैज्ञानिक ऐसा सांप देखकर सतपथ थे जिसके पैर निकले हुए थे। इस सांप को 66 साल की एक महिला डियान ने पाया था। वैज्ञानिकों ने इस सांप की ऑटोप्सी की और परिणाम किन्हीं कारणों से आम नहीं किए गए थे, उसे छिपा दिया गया। सांप अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल लेते हैं। सांपों की पलकें नहीं होती है, इसलिए खुली आंखों के साथ ही सोते हैं। सांप पानी में अपने स्किन से कुछ मात्रा में सांस ले सकते हैं, इससे वो शिकार की तलाश में पानी में देर तक रह सकते हैं। आपको एक सांप के बारे में बताने जा रहे हैं, रसेन पिट वाइपर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वो सांप होता है जो किसी को भी बच्चा बना देता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके काटने के बाद लोग अपनी सेक्स ड्राइव खो देते हैं और इनके दिमाग का जो संतुलन है वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। ये इस सांप की खासियत है। एक स्पिटिंग कोबरा सांप होती है। ये एक ऐसा सांप है जो अपने शिकार पर 3.4 मीटर की दूर से ही पिचकारी की तरह जहर छोड़ सकता है। इस सांप को अपने शिकार के काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काटता नहीं है, काटता भी है। सांप जो है साल में कम से कम 3 बार अपनी पूरी चमड़ी जो है वो निकाल देता है। यहाँ आपको हर घर में सांपों का एक क्रेट मिल जाएगा और इस गांव में हर साल सांपों का मेला लगता है और सांप से जुड़े हर तरह के खेल जो हैं वो आपको दिखाए जाते हैं यहाँ पे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।